Hey, how's it going, everyone? My name is Mardip and welcome back everyone to Himlands, एक ऐसा world जहाँ पे कुछ दिनों के अंदर अंदर एक बहुत मोटे वाला कांड होने वाला है। अब ऐसा guys मैंने क्यों बोला? क्योंकि last episode के अंदर हमें उस कांड का एक बहुत बड़ा hint मिला था। Last episode के अंदर guys तुम लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने होगा लाला एंड उस काउंसिल वाले मेंबर को देखा था साथ में कुछ मीटिंग करते हुए। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई जुगलबंदी चल रही है। एंड तुम लोगों को भी याद दिला दो, काउंसिल वाले इस बंदे को हम लोगों ने लैंड ऑफ सर्वाइवल्स वाले वर्ल्ड के अंदर वादा किया था कि हम इसकी मदद करने वाले हैं कुछ लोगों को मारने के लिए, लेकिन हम लोगों ने वो चीज करी नहीं है। तो ये हम लोगों को ढूंढता हुआ हिमलैंड्स के अंदर आ चुका है और हमारे सबसे बड़े विलेन होगा लाला के साथ मिलकर कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। और इसके अलावा गाइस लास्ट एपिसोड के अंदर हमें पता चलता है हमारी प्रोफेसर के न्यू इन्वेंशन के बारे में, जो कि है एक न्यू गेम, जो कि इस गेम को माइनक्राफ्ट के रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर लेता। और इसके साथ मिलकर हम लोगों ने प्लान बनाया था ड्रीम बॉय को दोबारा से अपनी साइड करने का। जान बुझ के उसको मैंने गाइस डेथ लूप के अंदर डाल दिया था एंड प्रटेंड किया उसको बचाने का, लेकिन गाइस सबसे एंड में एक बहुत बड़ी गलती होगी। जब मैं ड्रीम बॉय को ऑलमोस्ट बचाने वाला था, साला किंग ओडिन पता नहीं कहां से आ गया एंड सारा का सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले गया। और अब ड्रीम बॉय को लगता है कि किंग ओडिन ने उसको बचाया था एंड मेरा पूरा का पूरा प्लान फेल हो गया था। सो आज किसी भी हालत में हम लोगों को प्रोग्रेस करनी है और आज की वीडियो में गाइस एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी होने वाला है, तो तुम लोगों को वीडियो लास्ट तक जरूर देखनी पड़ेगी। एंड मैं ये क्या देख रहा हूं गाइस, लास्ट एपिसोड में सिर्फ 2 लाख लाइक्स है। आई वांट कि इस वीडियो पे 2,35,000 लाइक्स क्रॉस हो जाए, हो जाएंगे तो बहुत मजा आ जाएगा गाइस। एंड गाइस हम लोग 6 मिलियन के कितना नजदीक है तुम लोग देख रहे हो, आई थिंक या तो 6 मिलियन हो चुके हैं या तो लाइक 5-10,000 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है। गाइस आज क्या जी करा दो यार, अब हिमलैंड्स की वीडियो धड़ाधड़ अपलोड करूंगा मैं, उसके बाद तुम लोगों से वादा है। सो या गाइस एंजॉय दिस वीडियो। तो गाइस अभी एक काम करते हैं, फटाफट ड्रीम बॉय के पास चलते हैं। अभी गाइस मेरे को ना देखो, हम तुम लोगों को याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने किंग ओडिन को भी रिप्लेस कर लिया था फेक किंग ओडिन से। कैसे किया था तुम लोगों को मुंह के सामने दिख रहा है, ये जो हमारा कमांडर है गाइस, इस कमांडर का जुड़वा भाई था जिसको हम लोगों ने किंग ओडिन बनाकर ड्रीम बॉय के पास भेज दिया। और गाइस असली वाले को, साले को मैंने ऐसे ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है कि ये वहां पर ना चैट कर सकता है ना अपनी ईविल पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है, तो यहां से निकलना इम्पॉसिबल है। तो गाइस मेरे को बस अभी इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि जो ये किंग ओडिन और ड्रीम बॉय के बीच में क्या जुगलबंदी चल रही है, ऐसा क्या हुआ कि ड्रीम बॉय किंग ओडिन की लाइक हर एक बात मान रहा है, उसको भाई बोल रहा है। इनफैक्ट उसको पता भी है कि भाई किंग ओडिन लाइक सबसे बड़ा विलन है इस वक्त हमारा, होगा लाल से ही बड़ा विलन है। चलो इसे पूछते हैं गाइस, है ना, नजदीक चलता है आस पास यहीं पे होना चाहिए कहीं पे। ऑलराइट ड्रीम बॉय, हेलो भाई, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है ब्रो, हेलो हेलो हेलो, वेलकम 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 ब्रदर, वेलकम टू अवर किंगडम। किधर है स्मार्टी भैया? ब्रो मैं बैंक के जस्ट बाहर खड़ा हूं। अरे तो हम भी यहीं पे हैं मेरे भाई, कैसा है स्मार्टी भाई? लेजिट मैं तो बहुत बढ़िया हूं भाई, पर लेजिट जो पिछली बार आपने किया ना भाई, आपके एफर्ट्स नहीं भूल सकता हूं भाई, आप मेरे को एंड तक छोड़ के नहीं गए मेरे भाई, यार लिटरली आप वी आर ब्रदर्स यार, आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हो, आप मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर हो यार, आपको मैं मरता हुआ छोड़ सकता हूं क्या? जैसे ही मुझे खबर आई थी ना कि आपके ऊपर कुछ तो हमले होने वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हमले होने वाले, मैं सीधा आपको बचाने के लिए आया हूँ यार भाई। बट ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बंदा जिस दिन मेरे हाथ में आ गया ना भाई, जिस दिन मेरे हाथ में आ गया तो अपने स्टिंगडम पे ना उसकी कटी हुई गर्दन लटकाऊंगा, सच बोल रहा हूँ, मजाक से हटके, जिसने मेरे को मारने की कोशिश करी। अरे कोई बात नहीं, जब भी आप उसको पकड़ोगे मुझे याद जरूर करना, 2-4 फटके मैं भी मारूंगा उसके पिछवाड़े पे, ठीक है ना भाई? साथ में मिलके मारेंगे उसको भाई, साथ में मिलके खत्म कर देंगे भाई। एग्जैक्टली यार भाई, किंग ओडिन तू कितना बढ़िया बंदा यार, पिछली बार अगर तू नहीं आता ना तो एग्जैक्टली मैं मर जाता, बट कमाल का तो लौंडा यार स्मार्टी भाई, मानना पड़ेगा आप किंग ओडिन के बारे में क्या बोल रहे थे, पर ये बंदा क्या निकला देख रहे हो? बंदा तो ये देव मानु से क्यों? Exactly. बहुत सही बंदा यार, ये वाला बंदा बहुत सही है। बट यार एक बात मेरे को और बतानी है स्मार्टी भाई। हाँ? आपको पता है क्या, कमांडर ने मेरे को बताया कि जो वहाँ पे गड्ढा नहीं हुआ था जिसके अंदर मैं गिरा था, हाँ? यार आप जैसे वहाँ पहुंचे आपने बिना कुछ सोचे समझे मुझे बचाने के लिए लिटरली उस गड्ढे में जंप मार दी, अरे बिना एक सेकंड भी नहीं लगाया। ऑफ कोर्स आप मेरे दोस्तों में, मैं पहले से लेके बोल रहा था आपको यार भाई, मैं अपने दोस्तों को छोड़ता नहीं हूं पीछे कभी जिंदगी में। मैं मानता हूं मेरे भाई, आप एक बहुत अच्छे सच्चे दोस्त हो मेरे यार, सच्चे दोस्त हो। ये लो मैं आपको गिफ्ट अपनी डायमंड की एक्स दे सकता हूं। अरे नहीं 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 भाई, ये आप रखो, आप क्योंकि लड़ाई वगैरह बहुत ज्यादा करते हो तो आपके काम आएगी। और इसके अलावा मैं लिटरली इंप्रेस्ड हूं भाई आपसे यार, क्या क्या बंदे हो भाई, कमाल के बंदे हो यार। पर यार मेरे को ना आपसे कुछ पूछना था, मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही कि तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, तुम लोग मुझे सारी, अब तो देखो आप लोग एक ही टीम में आ चुके हैं, तो तुम लोग मुझे अब किंग ओडिन भाई मानते हो ना, बता सकते हैं ना सबको, हाँ तुझे किंग ओडिन ने हाँ भी कर दिया, आप मुझे बताओ तो सही कि ऐसा क्या है कि मतलब तुम दोनों के बीच में कुछ तो चल रहा है, कुछ तो लाइक तुम लोग कोई मिशन प्लान कर रहे हैं क्या कर रहे हो, तुम लोग मुझे उस मिशन में अपना साथी बना सकते ब्रो, हम लोग साथ मिलकर सब कुछ भी कर सकते लाइक। क्या किंग ओडिन हमारा कौन सा मिशन है भाई, कुछ भी क्या स्मार्टी भाई? हाँ? देखो यार इसके दिमाग में जो चल रहा है वो यही बताएगा यार, अब ये हाँ भी बोल ले मैं नहीं बता सकता हूँ भाई, वो जो इसको बताने वो ये खुद बता देगा यार, मेरे से मत बोलो यार। अरे यार ड्रीम बॉय ऐसा भी क्या हो गया यार,
ब्रदर ब्रदर देखो यार यार एक एक वादा होता है ना, एक प्रॉमिस होता है, वो मैंने इसको किया हुआ है तो वो प्रॉमिस मैं नहीं तोड़ सकता हूँ यार। किंग ओडिन तेरे को जो बताने तू खुद बता दे भाई। तुम एक काम करो, आप दोनों स्पेस लो, आराम से बैठ के बातचीत करो, जो भी डिसाइड होगा अपनी बातें करो, मैं निकलता हूँ यहाँ से, मुझे थोड़ा काम है किंगडम में, ठीक है भाई। और अगर ये आपको प्लान बता देगा तो हम दोनों साथ में मिलकर, हम तीनों साथ में मिलकर काम करेंगे ना भाई, दिक्कत लेने की दिक्कत ही नहीं है। मैं हमेशा तो बोलता हूँ चलो भाई मैं किंगडम का काम निपटा के आता हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर में, ओके ब्रदर। ऑल राइट गाइस, ड्रीम बॉय यहाँ से जा चुका किंग ओडिन ब्रो, ये बाय द वे फेक वाला किंग ओडिन, तभी मैं इसकी इतनी तारीफ कर रहा था। लास्ट एपिसोड में भी गाइस मैंने इसको बहुत गाली मारी, आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, ये देखो इसका भाई आ गया ब्रो, समझाया आपने इसको? लास्ट एपिसोड में सारा का सारा खेल खराब किया इसने मेरा। अगर उसी वक्त ड्रीम बॉय को मैं ऑन द स्पॉट पे जाता ना, ड्रीम बॉय सारा का सारा राज उगल देता। पता नहीं क्या ऐसी चीज चल रही है किंग ओडिन और ड्रीम बॉय के, कोई तो मिशन है इनका गाइस जिसके लिए ये लोग साथ में मिलके काम करें, कुछ तो ये करे, आई डोंट नो क्या करे, बट कुछ तो ये काम कर रहे हैं। अब वो चीज मुझे कौन ही, अब क्या फायदा है ब्रो, कोई बात नहीं, अब आप दोनों थोड़ा सा ध्यान रखना, ड्रीम बॉय किसी काम से गया, मैं जा रहा हूँ असली किंग ओडिन के पास, ठीक है ना, उसको मैं थोड़ा सा और टॉर्चर करने वाला गाइस। मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो गया भाई, गॉड की कसम मैं नहीं छोड़ने वाला भाई उसको, अभी मैं अभी उसको उससे इन्फॉर्मेशन निकालूंगा ही निकालूंगा कि भाई तू मेरे को बता कैसा क्या जुगलबंदी चल रही है तुम दोनों की, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है एक्चुअली में। देखते अभी अभी तुम लोग चलो मेरे साथ भाई, देखो अभी बताता हूँ मैं इसको एक बार। बेसिकली गाइस जितना ज्यादा गाइस हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करेंगे उतना ही ज्यादा चांसेस है कि होगा लाला और जो क्या नाम है उसका वो काउंसिल वाला बदसूरत, ये दोनों के दोनों बंदे उतने ज्यादा स्ट्रांग बन के आएंगे भाई। कोई इनके बीच में कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है ना गाइस कि ये अचानक से आएंगे और अचानक से हम लोगों को पेल देंगे, अचानक से, लाइक हम लोगों के पास भागने तक का चांस नहीं होगा। आ गया भाई ये देखो नीचे मर रहा है, आ रहा मैं तो, रुके एक सेकंड के लिए, तेरी ऐसी की तैसी। और मेरे को ना गाइस बार बार यहाँ पे अपना नाइट विजन का रिसोर्स पर कौन करना पड़ता ताकि मुझे दिखा, भाई ओ भाई जी हेलो लुक एट मी, साला तेरी ऐसी की तैसी, ऐसे मुझे यहाँ पे मारने की ट्राई कर, ये बहुत ही ज्यादा क्या बोलेंगे इसको गाइस, ये बहुत ही ज्यादा इगोइस्टिक बंदा, ईगो इसकी खत्म नहीं हो रही इस बंदे की, माँ कसम भाई तू यहाँ से जिंदगी में कभी बाहर नहीं निकल सकता है समझा, जितना मैं तेरे को बोल रहा मुझे बता जल्दी जल्दी, मेरा सारा का सारा साले प्लान फेल हुआ लास्ट एपिसोड के अंदर, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को बिल्कुल भी नहीं, समझा ना किंग ओडिन, तेरे को मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ, अगर तूने मुझे अभी नहीं बताया कि तेरे और ड्रीम बॉय के बीच में क्या प्लानिंग चल रही है, तुम लोग नेक्स्ट क्या करने वाले गाइस, ये दोनों कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं ना कि जिसके थ्रू कुछ तो करेंगे, देखो इसने ड्रीम बॉय का एक ऐसा लालच दिया हुआ है ना जिस वजह से वो बंदा मेरी बात तक भी नहीं मान रहा है, अभी भी उसने मुझे बोला कि मैंने तो कसम खाई हुई है कि मैं किंग ओडिन से वो कसम को तोड़ नहीं सकता कि मैं बताऊंगा नहीं किसी को, तुम लोग सोचो कि किंग ओडिन के कितने ज्यादा इन्फ्लुएंस में है ड्रीम बॉय इस वक्त, तो तुम लोग समझ जाओ गाइस कि कितना ज्यादा इविल बंदा है। व्हाई यस का व्हाई लिख रहा है, यस 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 लिखने की ट्राई कर रहा, साला ये कितना प्राउड है खुद से, ये बहुत ही ज्यादा इविल बंदा, हे भगवान यस नहीं मानने वाला किंग ओडिन, अब इसके बाद जब मैं वापस आऊंगा ना तो मैं तेरी मौत लेकर आऊंगा वापस, तू बस थोड़ा वेट कर, साले मैं तेरे को बताता हूँ अभी। गाइस ऐसे नहीं मानने वाला बंदा, इसको मैं बताता हूँ ऐसी की तैसी इसकी पकौड़ा कहीं का। प्रोफेसर साहब जल्दी जल्दी मेरी बात सुनो यार, गाइस प्रोफेसर से ही मैं अभी मदद लेने वाला हूँ, एंड ये क्या हो गया अब? अरे भाई मेरे यार तू लड़ाई है क्यों करता, मेरे को ये चीज समझ नहीं आती है, तेरे को लड़ाई करने के लिए किसने बोला जिंदगी में है, तेरे को भाई सबसे पीछे रहना चाहिए भाई, जब भी लड़ाई होती है इसकी एक आंख सूजी होती है और पिछवाड़े पे खून निकल रहा होता है इसका, देखो देखो अभी अभी भी नहीं मानेगा कि ये पता क्या बोल रहा है, आ जाओ कोई भी आएगा मैं मारूंगा उसका, अरे भाई चार फटके तेरे को पड़ेंगे, आंख तेरी काली जाती है हर बार यार, मेरे को बता देखो किसने मारा यहाँ पे, पक्का ये आसपास के विलेज वाले बच्चों से पंगा हो गया होगा इसका, है ना, उन्होंने मारा होगा इसको यहाँ पे, क्या है यार तू 600 IQ वाले बंदे के अंदर इतना IQ नहीं है कि तुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, तू नहीं बना लड़ाई के लिए यार, बता क्या हुआ तेरे साथ ये। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो चुकी है और भाई मुझे बहुत बुरा लग रहा, मैं तेरे पे हंस रहा था तब से लेकर यार, गाइस जिसने बताया कि साला होगा लाला आया था यहाँ पे, जिसने हमला किया सबके ऊपर, एसडी वगैरह सबके ऊपर हमला किया, और बोलता उसने ऐसा मारा इसको, उछाल उछाल के मारा भाई, इसकी आंख फिर से काली कर दी है, तुम लोग समझो मैं तुम लोग को क्या बोलूं गाइस, साला काउंसिल वाला, मैंने से पूछा काउंसिल वाला आया था, बोला और कोई नहीं आता सिर्फ होगा लाला आया था, तुम लोग ये मान के चल लो काउंसिल वाला बंदा और होगा लाला दोबारा से साथ में आ चुके हैं, दोबारा से साथ में क्या मतलब अभी साथ में आ चुके हैं, और इनकी जो जुगलबंदी है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि भाई हमले करने भी स्टार्ट कर दिए, हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है। प्रोफेसर मेरी बात सुन, देख द रीजन मैं यहाँ पर आया हूँ तेरे पास, मेरे को ना क्या बोलते हैं, मैंने किंग ओडिन को पकड़ा हुआ है, ठीक है ना, पूरे तरीके से मैंने तो लास्ट टाइम पे बताई थी बात कि मैंने किंग ओडिन को पूरे तरीके से पकड़ा हुआ है, जो असली वाला किंग ओडिन है उसकी जगह पे मैंने नकली वाला किंग ओडिन भेजा हुआ है, अब साला ये असली वाला किंग ओडिन बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, तो दे शुड बी सम वे जिससे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकूं इससे वो सारी इन्फॉर्मेशन कि कुछ ना कुछ तो ये कांड करने वाले, और अगर साला ये किंग ओडिन, क्योंकि देखो किंग ओडिन काउंसिल वाले बंदे के साथ तो मिला हुआ है ही है, ठीक है ना, एंड अगर ये लोग साथ में दोबारा से आ गए तो भाई
तू समझ जा कुछ भी हो सकता है, फिर तो कांडे हो जाएगी यहाँ पे। कोई मुझे रास्ता बता जिससे हम लोग कुछ दिमाग लगाएं एंड हम लोग लाइक इस किंग ओडिन से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सके ब्रो, बहुत कम टाइम है हम लोगों के पास। ऑल राइट गाइस, तो प्रोफेसर साहब से मेरी बात हो चुकी है। प्रोफेसर ने मुझे गाइस कुछ प्लान वगैरह बताए हैं। इसने मेरे को बोला है कि अगर देखो, क्योंकि वो हम लोग को इन्फॉर्मेशन तो दे नहीं रहा है, तो इसने मेरे को बोला है कि क्यों ना हम लोग उसको, क्यों ना मैं किंग ओडिन को प्रोफेसर के पास लेकर आऊं। और भाई इसने बहुत ही मस्त चीज मुझे बोली है, मैं उसको लेकर कैसे आ सकता, तुम लोग सोचो गाइस। एक बार उसको ट्रैप से निकाल दिया, मेरी दुनिया हिला देगा वो बंदा, इतना ज्यादा स्ट्रांग है वो बंदा। तो इसने मेरे को बोला है कि मैं किंग ओडिन को एक पोशन मार के लेकर आऊं। तो ये पोशन के लिए भी गया हुआ है, पोशन का नाम है पोशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस। अलग अलग एक्सपेरिमेंट तो ये बंदा तुम लोगों को पता करता रहता है, तो उस पोशन को मार के बेहोश हो जाएगा एंड देन उसको हम लोग लेकर यहाँ पे आ सकते हैं। तो इसने मुझको बोला है कि एक बार किंग ओडिन यहाँ पर आ गए तो उसको हम लोग यहाँ पे अनकॉन्शियस होकर इस नीचे वाली मशीन के अंदर डालेंगे। तुम लोग याद होगा ये मशीन जो यहाँ से नीचे बहुत काम की मशीन है एंड गाइस उसके दिमाग के अंदर अभी हम लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो चीजें कर सकते हैं। पहली चीज, क्योंकि वो बेहोश है उसके दिमाग के अंदर है, उसको हम लोग कंप्लीटली हमेशा हमेशा के लिए मार सकते हैं, या तो फिर हम लोग उसके दिमाग के अंदर जाकर उसके कुछ स्क्रू वगैरह ढीले कर सकते हैं, उसको हम लोग पागल भी बना सकते हैं और भी बहुत सारे। इसने मुझे को बोला बाद में ये सारी चीज मुझे एक्सप्लेन कर देगा, बट जस्ट अभी हम लोगों को एक ही काम करना है, बस किंग ओडिन को यहाँ पर लेकर आना है। उसको मैं लेकर आऊंगा भाई, गाइस इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट यार। हमें बस कुछ भी करके जल्द से जल्द इस चीज को पूरा करना है। भाई तू मुझे दिखा जरा कौन सा पोर्शन है, मैं देखना चाहता हूँ एक बार यार, रुको जरा दिखा जरा मेरे भाई क्या पोर्शन है। पोर्शन ऑफ अनकॉन्शियसनेस भाई, तू कितना और कैसा पोर्शन है भाई, ऊपर से आधी मुंडी नहीं है इसकी भाई, तू ना ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करता रहा कर यार, हमारे बड़े काम की चीज है। प्रोफेसर मैं आता हूँ ठीक है ना भाई, 40-45 मिनट यहाँ से लाइक किंगडम पहुंचने में लगेंगे, मैं एक डेढ़ दो घंटे में आता हूँ वापस का। चलो गाइस फटाफट चलते हैं भाई। तभी जब जब तक गाइस हम लोग यहाँ पर आते हैं किंग ओडिन को लाइक, तुम लोग ये मान के चल लो अभी ऑलमोस्ट 40 घंटे हो चुका है किंग ओडिन को उस ट्रैप के अंदर डाले हुए, उसका दिमाग तो पहले ही खराब हो चुका है, पता नहीं क्यों सारा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, बहुत ही ज्यादा टफ गाय तुम लोग उसको बोल सकते हो, सारा इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रहा यार, अजीब आदमी है यार। एंड गलती से अगर ये साला फिर से इस बार होगा अलग सा मिल गया किंग ओडिन, भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी हम लोगों के लिए गाइस। चलो फटाफट चलते हैं किंग ओडिन के पास और उसको बेहोश करके यहाँ पर मैं लेकर आता हूँ, पर एक आखिरी मौका मैं उसको जरूर दूंगा मुंह खोलने का, नहीं मानेगा मेरी गलती नहीं भाई फिर। ऑल राइट आई एम बैक मेरे बेचे किंग ओडिन, तूने मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं देनी ना साले, नहीं देगा ना तू मेरे को इन्फॉर्मेशन। अब तू देख मैं तेरे से यहाँ पे क्या करने वाली, देख रहे हैं यहाँ पे यार, एक बेटे देख रहे मेरे हाथ एक पोशन है, जैसे पोशन मैं तेरे को मारूंगा उसके बाद तू गया, बच नहीं सकता समझा ना। अभी तू जितनी बजी हुई हरकतें करते गाइस, अगर ये बंदा इस ट्रैप से बाहर निकल गया, तुम लोगों को अभी आइडिया भी नहीं इस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर है ना, ये बंदा हवा में उड़ उड़ के मारता लोगों को, हवा में उड़ उड़ के मारता तो है ये, हमको भी हवा में उड़ा सकता है। इसके बाद बहुत ही ज्यादा अजीब सी क्रिएटिव पावर आ चुकी है, पता नहीं कहां से भाई इतना ही विल बन चुका है बंदा। तो ठीक है मेरे भाई, अपनी आखिरी अब तो स्टार्ट कर ले, बाय द वे मेरे को बस इस पोशन के ना गाइस रेंज में नहीं आना, नहीं तो मेरे साथ भी जाएगा तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी, मेरे को इसकी रेंज में नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज प्लीज। उसे मुझे कोई इफेक्ट नहीं लगा, थैंक गॉड अभी ये बंदा गया। जब तक ऐसे मुंह के सामने से मेरे जाता नहीं है ना ये सारा का सारा इफेक्ट, मेरे को बस दूर रहना, मेरे पर अगर लग गया तो मैं भी बेहोश रहूंगा, खड़े खड़े बेहोश रहूंगा मैं, और फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके जा रहा है ये सारा का सारा, जा 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 जल्दी जा जल्दी जा जल्दी, चला गया। अरे नहीं गया अभी भी, माय गॉड ये एक भी पार्टिकल मुझे टच हुआ मैं सीधा बेहोश रहूंगा, उसके मेरे साथ भी कुछ ना कुछ कांडे हो सकते। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। अच्छा गाइस अब जो मुझे पता है कि ये बंदा बेहोश हो चुका, मैं इस ट्रैप को तोड़ सकता हूँ, अगर मैं इस ट्रैप को तोड़ूंगा बेहोश नहीं, क्योंकि ये किंग ओडिन है गाइस, कुछ भी कर सकता है, दिस गाइस इज वेरी वेरी डेंजरस एंड बस मुझे एक बार देखना है इसको तोड़ने वाला, प्लीज 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 प्लीज। अरे मैं खुद नहीं तोड़ पा रहा भाई इस ट्रैप को, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, इट्स इम्पॉसिबल ब्रो इस ट्रैप को तोड़ना, ये टूटा, अब बता। ओके गाइस द थिंग इज उस पीछे वाले ब्लॉक को तोड़ भाई, तेरी ऐसी की तैसी। ओह माय गॉड ये मेरे सामने देखो कैसे बेहोश खड़ा है भाई, प्लीज कुछ करियो मत। ओके लेट मी चेक वन टाइम, अगर मैं इसको नीचे गिराऊंगा ऐसे धक्का मारूंगा इससे मैं, कुछ होगा, रुको 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 मर जाएगा ऐसे करके यार पानी के बीच में, धक्का लग गया इसको। गाइस बॉयज एंड गर्ल्स अब बस मुझे इसको ट्रांसपोर्ट करना है डार्क हिमलैंड्स के लिए, जो कि हम लोगों के लिए बहुत इजी है, मैं प्रोफेसर को बुला के इसकी बॉडी को यहाँ से शिफ्ट कराता हूँ वहाँ के लिए, एंड सीधा ही अब हम लोग इसके दिमाग के अंदर जाने वाले ब्रो, तुम लोग देखो अभी बहुत इविल चीज करने वाला मैं वहाँ पे जाके। Much, much, much later. All right, boys and girls, इस बंदे को हम लोगों ने बेहोश करके इतनी मुश्किल से यहाँ पर लेकर आया ना भाई साहब, मेरे कपड़े तक चेंज हो गए ब्रो, इतना टाइम लग गया यहाँ पर इसको लाते लाते। और भाई ये बंदा बहुत ही ज्यादा जिद्दी है, इसने बिल्कुल भी इन्फॉर्मेशन दी नहीं थी हमको, मतलब अभी तो ये बेहोश है, ऑफकोर्स कैसे देगा, अब तो इसके पास कोई चांस भी नहीं ब्रो, तेरे पास कोई चांस नहीं है भाई, अब समझाना। अब
मेरे को गाइस बाय द वे अपने प्रोफेसर ने बहुत सारी चीज़ें बताई है, तू पहले तो मेरे को वो अपना सामान पकड़ा था जो तूने मेरे को बोला था, ठीक है ना गाइस। देखो हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, अगर हम लोगों को दे दे भाई, अगर गाइस हम लोगों को कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं मिलते तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसके दिमाग के अंदर TNT को सीधा ब्लास्ट कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा तुम लोगों को बता भाई, ये बंदा इसको हम लोग ब्रेन डेड कर सकते हैं, लाइक इसको अगर खत्म करना है हमेशा हमेशा के लिए। बट मैंने और प्रोफेसर ने प्लान ये किया हुआ है कि हमारा वर्स्ट केस सिनेरियो होगा, अगर कुछ भी अंदर गड़बड़ होती है तो भाई इसके दिमाग के अंदर TNT फोड़ कर इसको पूरे तरीके से जान से ही खत्म कर देंगे। बट इसने कहा मुझे और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वगैरह दिए प्रोफेसर ने कि इसके दिमाग के, बेसिकली कैसे हम लोग इन्फॉर्मेशन के लिए जा रहे हैं, इसके दिमाग के अंदर हमें पता लगाना है कि क्या खुराफात है इसके दिमाग के अंदर। और गाइस तुम लोगों को पता होगा ये बहुत ही डीप थॉट्स होते हैं, ठीक है ना, तो ये बहुत डीप थॉट्स हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलने वाले हैं इसके दिमाग के अंदर। तो इसने बोला है कि बहुत डिटेल में मेरे को इसके दिमाग के अंदर जाकर खोजबीन करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम लोगों को हो सकता है वो राज पता ही ना चले, ठीक है ना गाइस। तो इसके दिमाग के अंदर जाकर हमें सिर्फ ऐसे इन्फॉर्मेशन निकालने, तो प्रोफेसर साहब बटन दबाया जाए। What? Okay. I think मैं इसके दिमाग, wait. इसका दिमाग है, are you sure? Okay, वहां पर कुछ मैकेनिकल चीजें काम तो कर रही है। I don't know, इसका दिमाग ही है ना भाई पक्का। Oh my god, भाई मेरे को ऐसा क्यों, ये कैसी आवाज आ रही है? गाइस आवाज सुनो यहाँ पे एक बारी। Oh my god, ये बहुत creepy है। ये हाथ निकल रहा है किसी के यहाँ से। Oh My God, bro, ये बहुत अजीब सी जगह है। ये क्या है भाई यहाँ से ऊपर? ये ओ ओ मुझे प्रोफेसर ने बताया था हम लोग इसके दिमाग के थ्रू इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। बाय द वे हम लोग इसके हाथों की मूवमेंट्स को, इसके पैर की मूवमेंट्स को हम लोग इजीली कंट्रोल कर सकते हैं इसके दिमाग के अंदर जाकर। बट फिलहाल के लिए तो गाइस ये बंदा यहाँ पर पूरे तरीके से बेहोश पड़ा हुआ है ना, तो मेरे को फिलहाल को इसके हाथ और पैर को कंट्रोल करने की जरूरत है नहीं है भाई। दिमाग तो उसका बहुत छोटा जैसा है एक्चुअल। ओ माय गॉड, ऊपर देख रहे हो वहां पे, व्हाट, वहां पर कोई बंदा फंसा हुआ था, एक ट्रैप के अंदर फंसा हुआ इसके दिमाग के अंदर कोई बंदा। ओके बाय द वे गाइस, ये जो चीज तुम लोगों को मुंह के सामने दिख रही है ना, सारी की सारी चीजें जैसे तुम लोगों को ये अजीब सी चीज दिख रही होगी मुंह के सामने, है ना, ऐसा कोई जादू टोना कर रही है, इसके दिमाग के थॉट्स है जो कि हम लोग ऐसे फिजिकल फॉर्म में दिख रहे हैं, थॉट्स को देखना इंपॉसिबल होता है, राइट। तो उसके दिमाग के अंदर जो भी सारी चीजें दिख रही है, तो अगर वहां पर गाइस कोई बंदा स्केल्टन वाला फंसा हुआ है तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई इसके दिमाग के अंदर गया था, इसका मतलब ये है कि भाई इसके दिमाग के अंदर चल रहा है किसी बंदे को इसी तरीके से फंसा कर हमेशा हमेशा के लिए मार देना। अभी बंदा कौन होगा फिलहाल को तो मुझे नो आइडिया, बट यहाँ पर दरवाजा खुला, वेट, इस दरवाजे को मैं कोई देखना चाहता हूँ गाइस, आई वॉन्ट टू सी कि इसके दिमाग के अंदर दरवाजे के अंदर क्या है भाई। चल जरा मेरे भाई, बॉयज एंड गर्ल्स, सो दिस इज ट्रू, हम लोग इसके एक्चुअल में दिमाग के अंदर ही गए हुए हैं। मैं वहां पे देखो ये बंदा लेटा हुआ है और प्रोफेसर इसको सामने से देख रहा है कि इसकी आंख के ऊपर व्हाइट पट्टी ऐसी लगी हुई है ना, क्योंकि बेहोश है, इसकी आंखें बंद है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भाई इसको दिख नहीं रहा है बाहर से, क्योंकि इसके ब्रेन के अंदर से तो दिखेगा ना ऑफकोर्स बाहर के लिए। और प्रोफेसर को ना कुछ पता नहीं कि मैं उसको देख पा रहा हूँ। प्रोफेसर तेरे को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? हेलो हेलो भाई जी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? अरे भाई धक्का दे रहा पीछे के लिए। हेलो मेरे प्रोफेसर साहब, ब्रो दिस इज सो गुड यार, आई एम टेलिंग यू, ओ माय गॉड, अभी ये साला ऊपर क्यों चढ़ गया इसके? मेरे घर में खाना बन रहा है बाहर यार, अब खांसी आ रही है ब्रो, ये बंदा पूरे तरीके से परेशान है। देख ए ए ए, शर्म नहीं आ रही इस बंदे को, दादागिरी कर रहा है, तलवार निकाल रहा है इसके सामने, तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी। ओ माय दिस इज सो गुड यार, प्रोफेसर को पता ही नहीं, रुको मैं फंदा आता हूँ, प्रोफेसर को पता ही नहीं कि मैं उसको देख पा रहा हूँ, ये रुको उसको यहाँ पे एक्स निकाल रहा है। हालांकि गाइस ये बंदा भी बहुत ज्यादा गुस्से में है इसके सामने। ए छी 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 छी, दूर जा प्रोफेसर, दूर जा, तेरे को मेरी आवाज आ रही है तो दूर जा साले, कहाँ खड़ा हो गया, छी है भाई, छी भाई, क्या देखने को पड़ रहा है मेरे को ये आज। ये गाइस इसका मतलब है कि हम लोग 100% इसके दिमाग के अंदर तो आ चुके हैं। क्या कर रहा है ये बंदा, दिस इज सो फनी यार, ओ माय गॉड दिस इज सो फनी, करने की क्या कोशिश कर रहा है ये बंदा, है व्हाट द हेल। ओके गाइस, ये पता नहीं क्या हरकतें कर रहा है यहाँ पे इसके सामने, ये देखो, ओ ओ मारने की ट्राई कर रहा है, कौन मुझे कॉल कर रहा है ब्रो अभी गलत टाइम पे ब्रो, मारने कोई बात नहीं मेरे प्रोफेसर भाई, कोई बात नहीं, टेंशन मत ले, मैं हूँ यहाँ पे,
टेंशन बिल्कुल मत ले, ठीक है ना भाई, इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं किंगोडे इनके ऊपर आपको, ठीक है। पिछवाड़ा दिखा रहा है, मेरे को जाना पड़ेगा इस बार, पिछवाड़ा दिखा रहा है। छी भाई पिछवाड़ा दिखा रहा अपना इसको यार ये, छी भाई। तो गाइस एक चीज की कंफर्मेशन तो हो चुकी है कि हम लोग एक्चुअल में ओडिन के दिमाग के अंदर ही है। यू व्हाट, ये हीरो ब्राइन है। ओके गाइस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो साफ साफ कि हीरो ब्राइन की फैक्ट्री ऐसी बनी हुई है। डोंट टेल मी कि ये साला कमीना इंसान यहाँ पे हीरो ब्राइन को समन करने के लिए ट्राई कर रहा है। अगर यहाँ पे गाइस इसके दिमाग के अंदर फैक्ट्री बनी है, दिस मींस ये हीरो ब्राइन के क्लोन्स बनाने की ट्राई कर सकता है, इसके दिमाग में चल रहा है ये चीज। ओके गाइस ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और क्या क्या गाइस, सारे के सारे राज आज के आज ही हमें पता करने भाई। इसके यहाँ पे ना अजीब से ये ऐसे मरे हुए से स्ट्रक्चर्स क्यों है भाई। ब्रो ये बंदा बहुत अजीब सा इविल बंदा है, आवाज सुनो ब्रो, ये इसके दिमाग के थॉट्स है जो कि इसके अभी भी। ये बंदा बेसिकली तुम लोग मान लो ये जो आवाज आ रही है ना, ये बंदा बेहोश है बट अभी भी कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, क्योंकि ये बेहोश है तो वो ढंग से हम लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है, तभी ये अजीब अजीब सी आवाज यहाँ पर आ रही है। अच्छी है भाई। एंड बाय द वे आई थिंक गाइस ये जो पावर विंड मिल जैसे तुम लोगों को दिख रही है ना, आई थिंक इसके दिमाग की वो पावर वाली चीज है जो लाइक इसके पावर खींचती है। देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, ये इसके दिमाग का पावर सोच है। तो अगर मैं यहाँ पर पूरे तरीके से TNT फोड़ दूंगा तो बंदा ब्रेन डेड हो जाएगा 110%। ये क्या, इसके दिमाग के अंदर शीशा क्या कर रहा है भाई। हेलो, मैं एक्चुअल में खुद को देख सकता हूँ, लुक एट दिस। ओ माय गॉड गाइस, ठीक है भाई ठीक है, दिमाग से काफी एडवांस है इसका मतलब ये बंदा है ना। इसके दिमाग का गाइस एक एक कोना है ना जो मेरे को अच्छे तरीके से छानना। व्हाट, वेट गाइस, ये क्या हो रहा है। होली, मैं समझ गया, मुझे प्रोफेसर ने बताया था। देखो गाइस, हर एक बंदे का जो दिमाग होता है ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है ना, और हमारी कोई ना कोई डार्केस्ट मेमोरीज होती है जिनके बारे में हम लोग सोचना नहीं चाहते हैं, समझ रहे तुम लोग। तो आई थिंक इस पर्टिकुलर कोने में साला किंग ओडिन की कोई ना कोई बहुत ही तगड़े वाली डार्क। भाग 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 गया, भाग गया मैं। व्हाट वाज दैट। देखो अब वो इफेक्ट नहीं लग रहा यहाँ पे। मैं दोबारा एक बार जाऊँ वापस, एक बार दोबारा से जाऊँ मैं वापस। ये देखो होना स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर इस बंदे की कोई ना कोई बहुत तगड़े वाली डार्केस्ट मेमोरीज है गाइस, 110%। ओह माय गॉड, और वो इतनी खतरनाक है कि तुम लोगों ने वहां पे आवाज सुनी, मेरी तो भाई फट गई थी अभी। ओके मैं अब दोबारा वापस नहीं जाऊंगा वहां पे। That was too scary, bro. Okay. इसकी कोई ऐसी तगड़ी सी मेमोरी जरूर है जिसके बारे में हम लोग फिलहाल को पता नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई मैं मरना मुरना नहीं चाहता इसके दिमाग के अंदर, बिकॉज ये भी एक पॉसिबिलिटी है, मैं यहाँ पे हमेशा हमेशा के लिए मर के कहीं ना कहीं फंस सकता हूँ। Okay, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ तो है। Okay, ये क्या चीज है ना, लेजर जैसे। रुको मैं इसको टच करूंगा तो क्या होगा। नो, मैं कुछ भी प्लेस ही नहीं कर सकता। वाह वाह। ओके गाइस, आई थिंक इसके दिमाग के वो न्यूरल कनेक्शंस है जिसको हमारा दिमाग बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से लाइक प्रोटेक्ट करता है, जैसा मुझे यहाँ पे ये इफेक्ट लगा लाइक ये मरने वाला। तो अगर मैं इसके आसपास भी गाइस यहाँ पे TNTs को फोड़ूंगा तो 100% बंदा ब्रेन डेड हो जाएगा। तो ये हमारी लास्ट उसमें करने वाला हूँ मैं गाइस, मुझे वो डीपेस्ट कॉर्नर इसका ढूंढना पड़ेगा, लाइक वो मेमोरी ढूंढनी पड़ेगी इसकी जिसके लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ऐसा क्या राज है जो साला ये छुपा रहा है, मुझे पता करना है कहाँ पर हो सकता है वो। उसके लिए मैं हर जगह पे ना अच्छे तरीके से नजर मारनी पड़ेगी बस इसके दिमाग के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं करना है। व्हाट, ये क्या चीज है। ओ, इस जगह पे भी गाइस वही हो रहा था। इसका एक और बहुत ही डीपेस्ट थॉट है ये वाला साले का। यस मार्टीपाई ड्रीम बॉय और एसजीओटेन ब्रो, हम तीनों को ये साला मारना चाहता है भाई। ड्रीम बॉय को तो आइडिया ही नहीं है, उस बेचारे को पता ही नहीं है कि ये साला उसका फायदा उठा रहा है, यहीं से लग गया पता, सिर्फ उसे फायदा उठा रहा। हम तीनों को मारने की प्लानिंग पे ये बंदा, ठीक है। तो अभी तक जो मैं सोच रहा था गाइस कि ये इविल है, ये एक्चुअल में इविल है, इसको मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ भाई। ओके गाइस, मुझे यहाँ पर एक अजीब सी स्लाइड जैसी चीज दिखी है, इसके थ्रू एक बार ऊपर जाने वाला। मैं ऑलमोस्ट नीचे गिरने वाला था भाई। ओ, मुझे प्रोफेसर ने बताया था जो भी इसका डीपेस्ट थॉट होगा गाइस, जो सबसे डेंजरस थॉट इसके दिमाग के अंदर होगा, तुम लोग ये मान के चलो अगर हम लोग एक रियल इंसान के दिमाग के अंदर जाएगा गाइस, तुम लोग याद करो, पहले तुम लोग इसके दिमाग को देखो कितना छोटा सा दिमाग है ना, यहीं तक जा रहा है, इसका कॉर्नर्स भी दिख रहे हैं। अब तुम लोग याद करो गाइस, जब हम लोग होगा लाला के दिमाग के अंदर गए थे वो ऐसा था जैसे पूरा का पूरा एक यूनिवर्स होता है, ब्रह्मांड होता है पूरा का पूरा। उसका दिमाग इतना बड़ा क्यों था, क्योंकि गाइस वो एक एंटिटी है, उसके पास एंडलेस पॉसिबिलिटीज है। बट ये जो हमारा किंग ओडिन है, ये फिलहाल को एंटिटी तो नहीं है, हालांकि हरकतें करता है एंटिटीज वाली, क्योंकि इसके पास कुछ पावर्स है,
बट पावर्स का मतलब ये नहीं कि एंटिटी है, ठीक है, ये इंसान ही है साला। वैसे उसका दिमाग इतना छोटा है, बट क्योंकि भाई ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है गाइस, तो जो इसके दिमाग के लिए किसी भी इंसान का जो सबसे डीपेस्ट थॉट होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपका वो फंसा होता है। तुम लोग मान के चलो सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, राइट। तो उसी तरीके से जो भी इसका वो सबसे डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट है ना, जो हम लोगों को पता लगाना है, वो एक ऐसी जगह पे इस दिमाग के अंदर छुपा होगा जहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। एंड देखो वहां तक पहुंचने के लिए गाइस बहुत ज्यादा ट्रैप्स भी होंगे। देखो मैं यहां पे नीचे गिर सकता रहा अभी, और नीचे पता नहीं क्या होना था। एंड ओ लुक एट दिस, पहुंचना हर जगह पॉसिबल है, वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट। और ये है गाइस पार्कोर, एंड इस पार्कोर को करके शायद से मैं वहां तक पहुंच जाऊं। ये देखो यहां पे, ये भी यहां पे छुपा हुआ था गाइस। हम लोग एकदम सही जा रहे हैं, हम लोग एकदम सही जा रहे हैं भाई। एंड यहाँ से आ जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे, और यहाँ से देखो सीढ़ी है, इनविजिबल सीढ़ी लगी हुई है भाई। वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन गाइज एक्चुअली में। चलो अब यहाँ से आगे चल, एंड हो सकता है इधर ही किधर हम लोगों को वो चीज मिल जाए। तुम देखो वो कोना देख रहे हो वहां पे, वो बहुत सस्पिशियस कोना है गाइज। और उसके अलावा वो वाला कोना भी बहुत सस्पिशियस है, कहीं भी हो सकता है। अच्छे तरीके से बस नजर मार मार के चलना है मेरे को, ठीक है ना, कोई भी चीज मेरी रहनी नहीं चाहिए। और ये इजी एज एफ वॉइस, इजी है बहुत ही मेरे लिए। एंड यहाँ ओ भाई, मैं सोचू यहां से आगे जानते इम्पॉसिबल है। ये देख रहे हैं यहाँ पे ब्रो, ये सारी की सारी चीजें ऐसी बनी हुई है ना कि कोई भी आम आदमी इसको पार ही नहीं कर सकता है। आई एम टेलिंग यू वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन गाइस। यहाँ से ऊपर जाएंगे ऐसे करके, लाइस ब्रो, और यहाँ से बस छलांग मार के दूसरी साइड जाना है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है ऑफ कोर्स हमारे लिए। एंड यहाँ से और आगे पार्कोर है, हम लोग सही जा रहे गाइस। ओ यहाँ से आगे कहीं नहीं रास्ता, ओ यहाँ से पीछे के लिए रास्ता है, यहाँ से पीछे के लिए रास्ता है। ऊपर चल, ऊपर चल, एंड ओ ओ ये क्या है, साला एक स्केलेटन बना हुआ है। अरे ब्रो ये पता है क्या चीज है, कॉफिन गाइस। हम लोग अपने डीपेस्ट, तुम लोगों को पता होगा ना, वो अपने डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स को लाइक ऐसे दिमाग के एक बहुत ही कोने में गाड़ के रखते हैं। गाड़ के काहे में रखते हैं, कॉफिन बेसिकली। तुम लोग पता है, तुम लोगों का लाइक ऐसे मुर्दे वगैरह को भी कॉफिन में गाड़ते हैं, राइट। एंड लुक एट दिस गाइस, एंड बाय द वे मेरी इन्वेंटरी इतनी आधी कैसे होगी ब्रो, मेरे पास तो बहुत सारा सामान था, आई डोंट नो क्या हो रहा है भाई ये। और अभी गाइस इसके ऊपर किंग ओडिन लिखा हुआ है, ओके मैं इसको पढ़ने वाला हूँ, आई एम सो एक्साइटेड। ओके क्या लिखा है इस पे, माय प्रिंस माय लॉर्ड, I have been waiting for you for so long. Now time is very near when we see each other. और हम वो सब करेंगे जो हमने सोचा था, एंड कोई भी हमारे इस मकसद के बीच में नहीं आ सकता। पूरे हिमलैंड्स को लाल रंग देंगे और वो होगा खून, कोई नहीं बचेगा ब्रो। ये यहाँ पे किसी प्रिंस की बात कर रहा है, किसी लॉर्ड की बात कर रहा है, और ये बोल रहा है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था बहुत टाइम से, लेके अब समय बहुत नजदीक आ चुका है जब हम लोग मिलने वाले आपस में, और ये पूरे हिमलैंड को लाल रंग देने की बात कर रहे हैं। बचेंगे तो सिर्फ हम, कोई नहीं बचेगा, सिर्फ हम बचेंगे, ये बोलना चाहता है। आगे का ऑलमोस्ट पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है भाई आगे। साला ये नल्ला किसी बंदे की बात कर रहा है। ओके तो गाइस जिस बंदे की भी बात कर रहा है, फिलहाल को मुझे ये तो नहीं पता किसकी बात कर रहा है ये, बट किसी ना किसी से मिलने की बात कर रहा है ये। कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो कि आने वाला है, किसी को ढूंढ रहा है, बट वो कौन हो सकता है, हैं? ओ लास्ट में कुछ लिखा यार, कुछ भी हो जाए मैं आपको ढूंढ कर रहूंगा। ओ देयर इज समवन जिसको ये ढूंढने की बात कर रहा है। ओके ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इस बुक को लेके जाने वाला बाय द वे। एंड गाइस अगर मैं इस बुक को यहाँ पे लेके चला भी जाऊंगा ना, तब भी शायद से एक और बुक, देखो अपने आप एक और बुक वहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। दिस मींस इस थॉट को हम लोगों ने मिटाया नहीं है। अगर मैं इस पूरे के पूरे कॉफी वाले इलाके को उड़ा दूंगा ना गाइस, तुम लोगों को पता होगा कि हम लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी के थॉट्स को, लाइक उसको अगर वो निकाल दें यहाँ से। बट मैं चाहता हूँ कि किंग ओडिन के दिमाग में थॉट रहे, बिकॉज ये इसने किसी से शेयर नहीं किया था, तो हमें इस बारे में सब कुछ पता है पहले से ही। तो ये बहुत ही बढ़िया बात हुई है, हमें ऑलरेडी पता है। और मैं गाइज यहाँ से नीचे जाने वाला भी छलांगे मार मार के, तो गाइज एक बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन हमें पता चली आज। तो फिलहाल को गाइज उसको ब्रेन डेड करने की जरूरत नहीं है, बस हम लोगों को किंग ओडिन के ऊपर नजर रखनी है कि ये कहाँ जा रहा है और किस बंदे की बात कर रहा है। बिकॉज अगर हमने किंग ओडिन को मार दिया, तो गाइज जिस बंदे की बात कर रहा है वो तो आएगा ना भाई हिमलैंड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो साले को हम लोग पहले हम लोग यहाँ पे तैयार करके रखेंगे। एंड व्हाट, अबे यहाँ पे लड़कियां खड़ी है, ओ हिल रही है ये लड़की तो, ओ और मल्टीपल है, आई थिंक दो दिख रही है, बट आई थिंक भाई दो नहीं है, बहुत सारी लड़कियां यहाँ पे। ये साला एसजीओ ने जो मुझे बोला था ना भाई, तस्कर है ये बंदा, ये है एक नंबर का तस्कर, देखो तुम लोग इसको। व्हाट
साला तुम लोग देख रहे हो इसके दिमाग के अंदर भाई लड़कियां ही चल रही होती है, लड़कियां ही घूम रही होती है। ये बंदा गाइस लड़ाई में तो साला तेज है खाने का भाई साहब। ओके वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। हाँ मैं क्या बोल रहा था, साला लड़ाई में तो तेज है ही है, बट ये साला लड़की बाद में दोगला आदमी है भाई, ये सच में नॉट अ गुड गाय ब्रो। ये बंदा सही नहीं है, बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस है ये सोसाइटी के ऊपर। कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, इसका जो हम लोगों के चेहरा पता चला है ना, आई एम सो हैप्पी कि मुझे इसके बारे में ये सारी चीजें पता चले। और कुछ ना कुछ चीज यहाँ पे मैं देखने वाला, अभी डिटेल में जगह को ढूंढने वाला हूँ मैं, और कुछ ना कुछ मिल सकता है शायद से मेरे को यहाँ पे, क्योंकि इसके डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स एक तो नहीं हो सकता गाइस, और भी हो सकते हैं गाइस। मैं ना बहुत देर से लेके यहाँ पे घूम रहा हूँ अरे परे, एंड मेरे को ना ये वाला जो लावा है ना, ये बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है, मतलब हद से भी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है मेरे को ये लावा। और गलती से गाइस क्या हुआ, मैं ना ऊपर वो पार्कोर वगैरह कर रहा था और भागते भागते अरे परे जा रहा था, ऑलमोस्ट आधे घंटे से मैं घूम रहा हूँ यहाँ पे, एंड मैं गलती से लावा के बीच गिरा। और तुम लोगों को पता है यहाँ पर क्या हुआ मेरे साथ, चेक दिस आउट, ये साला फेक लावा है, ये फेक लावा है, यानी कि इसका मतलब ये है कि इसकी दूसरी तरफ भी कोई ना कोई थॉट ऐसा जरूर है इसका जिसके लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, एंड वो क्या है, वी हैव हु द हेल इज दिस गाय, इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। ओके ये चीज मेरे को याद रहनी चाहिए। ओह माय गॉड, ये क्या चीज है, अजीब सा पता नहीं क्या है ये। और गाइस लिटरली यहाँ पर एंड बना हुआ है, एंड पता नहीं तुम लोगों को क्या होता है, वो भी लाइक ऐसे इन अजीब से ब्लॉक्स का एंड कैसे बन सकता है, एंड पोर्टल भी नहीं है ये तो। गाइस आई एम टेलिंग यू इसका एक और डीप, ओ इसने साले ने यहाँ पे एंडर ड्रैगन को मारा अपने दिमाग के अंदर, आई थिंक ये साला हमारे, ओ गाइस तुम लोगों को पता है ना, तुम लोगों को याद होगा हमारे हिमलैंड का अगर एंडर ड्रैगन मर जाएगा ना गाइस, अगर एंडर ड्रैगन हमारे हिमलैंड की मर जाएगी तो तुम लोगों को पता है कि कितनी ज्यादा तबाही हो सकती है। वो मरने के बाद एक एंड स्टोन कुछ ऐसा अजीब स्टोन ड्रॉप करेगी जो अगर हमारे हिमलैंड के ऊपर गिरता है तो हमारा हिमलैंड डिस्ट्रॉय हो सकता है, ये चीज तुम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने तुम लोगों को बहुत पहले बताया था। आई थिंक ये इसका वन ऑफ द डीपेस्ट डार्केस्ट थॉट्स है, ये कुछ ना कुछ कांड करने वाला है। ये कैसी आवाज थी, वेट ब्रो धमाके हो रहे हैं, हेलो प्रोफेसर। ओके मेरे को इसकी आंख के पास जाना पड़ेगा एक बार और, आई हैव टू गो आई थिंक इसकी आंख के पास, ये क्या हो रहा है ब्रो, ये धमाके बहुत तगड़े वाले हो रहे हैं, कौन, आई थिंक हमारे वर्ल्ड के ऊपर हमला हो चुका बाहर, व्हाट। मैं वही सोच चुकी धमाके की आवाज कहां से आ रही है, ओ माय गॉड गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, साला ये किंग उड, ए भगवान। ओके डूड्स गाइस मुझे नहीं पता यहां पर क्या होने वाला है, मुझे नहीं पता यहां पर क्या होने वाला है, साला इसने हमला कर दिया, प्रोफेसर को तो भगा दिया होगा इन लोगों ने अभी तक, एंड सब कुछ काला हो गया, सब कुछ काला हो गया मेरे मुंह के सामने गाइस, आई डोंट नो यहां पर क्या हो रहा है अभी। माय गॉड गाइस काली स्क्रीन हट चुकी है ब्रो, ये साले हमको उड़ा के लेके जा रहे कहीं पे, ये हमको कहीं पे उड़ाकर लेकर जा रहे हैं। ओह माय गॉड इन दोनों के दोनों बंदों ने किंग ओडिन को चोरी कर दिया, किंग ओडिन को उठा के लेके चले गए ये लोग। ओह माय गॉड गाइस मैं साथ में चला जाऊंगा, इनके पूरी जगह शेक हो रही है, तभी मैं वही सोचूं भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ये लोग किंग ओडिन को पता नहीं। ओके गाइस अगर मैं अब यहाँ पे एक काम कर दूं, मैं यहाँ पर साला TNT फोड़ दूंगा ना, तो भाई ये बंदा भी मर जाएगा और इन लोगों का मकसद भी काम, वेट इनका मकसद जाए भाड़ में। गाइस इन लोगों को भी आइडिया भी नहीं है कि मैं इसके दिमाग के अंदर बैठ कर साथ साथ में ट्रेवल कर रहा हूँ, दिस मीन्स गाइस
मैं ये पूरी की पूरी लोकेशन याद रख सकता हूँ, सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस चीज को, मैं ये एग्जैक्ट पाथ का पता लगा सकता हूँ और ये लोग कहाँ पर सीक्रेट ठिकाने पे छुपे हुए हैं। होगा लाला और साला ये काउंसिल वाला बंदा, ओ ये तो बेस्ट काम हो गया ब्रो, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। ओके सब कुछ वाइट हो चुका है, सब मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा सामने। ओके अब मैं पाथ का पता कैसे लगाऊंगा कि ये लोग इस पर्टिकुलर जगह से कहां पर गए होंगे। आई हैव नो आइडिया, एक बहुत बड़ा स्किप लग चुका है यहां पे, ऐसा कोई लग रहा है मेरे को। ओ माय गॉड, आई हैव नो आइडिया गाइस। मैं बस अभी देख, ओके इसने डायरेक्शन चेंज करी मेरे मुंह के सामने जस्ट अभी। लेट्स सी गाइस कि एग्जैक्टली ये लोग कहां तक जाते हैं। ओके साले प्रोफेसर का तू देख रहा भाई, तो तू मुझे यहां से बाहर निकालने की प्लानिंग तैयार कर ले, ठीक है ना भाई। मैं बहुत जल्द यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता बस यहाँ पे। पता चले कि साला ये सब लोग मुझे मिलके मार देंगे यहाँ पे, दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ी भाई मेरे साथ फिर तो। अगर इनको लग गया पता मैं इसके दिमाग के अंदर, सब कुछ फिर से ब्लैक हो चुका गाइस। ओके अब मैं ब्लैक स्क्रीन घटने का वेट करता हूँ, लेट्स सी ये कहाँ जाते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स इट्स हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद ये दोबारा से चलना स्टार्ट हो गया। आधे घंटे से लेकर ब्लैक स्क्रीन थे, मैं खाना खा के भी आ चुका लिटरली। क्या है ये जगह हम लोग? ओके अभी ये ट्रैवल तो करा गए थे, नीचे यहाँ पे हिल तो रहा है सब कुछ, ये हम मेरे को नजदीक जाना पड़ेगा। ये हम लोग कहां पर है, ये हम लोग कहां पर है, ये क्या दिख रहा है किंग गोडिन क्या? ओ व्हाट ये क्या है? ओ माय गॉड ये बहुत बड़ा महल जैसा है। ये इसको किसी महल के पास लेकर आए हैं, ये इसको किसी महल के पास लेकर आए हैं गाइस। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड सब कुछ काला हो चुका है फिर से। What the hell is happening guys? I have no idea. Yo! Okay, इन्होंने किंग गोडिन को कहीं लेटा दिया है। तुम लोग मुंह के सामने देख सकते हो, इन्होंने किंग गोडिन को कहीं ना कहीं पे लेटा दिया है जस्ट अभी अभी। Okay, guys, I have to find out. पहली बात तो मैं ऐसे guys बाहर निकल सकता हूँ आराम से, क्योंकि मेरे को अपने प्रोफेसर ने बोला था कि भाई यहाँ से बाहर निकलने का तरीका है। एंड वो जो गेम थी ना गाइस लास्ट एपिसोड में जो मैंने तुम लोग को दिखाई थी चूज और डाई वाली गेम, उसको इसने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ था। तो आई थिंक अभी भी मुझे देख सकता है भाई, अगर तू मुझे देख सकता है मुझे बाहर निकाल यहाँ से ब्रो। किंग गोडिन मुझे बाहर निकाल अभी और इस वक्त यहाँ से, किंग गोडिन सॉरी प्रोफेसर मुझे बाहर निकाल यहाँ से। पता नहीं कहाँ पर है ये बंदा इस वक्त यार, आई हैव नो आइडिया ब्रो। फाइनली I am out, let's go! And guys, एक बहुत ही बड़ी, I don't know कि इसको मैं problem बोलूं या फिर मैं इसको एक बहुत ही बड़ा advantage बोलूं, but साला ये लोग King Odin को उठा के लेकर आ चुके। I don't know guys, professor कैसा है? I really hope भगवान से कि भाई professor को इन्होंने मार ना दिया बस जहाँ से, क्योंकि ना SJO था ना कोई और बंदा था वहाँ पे उसके protection के लिए, और वो बंदा तो लड़ाई ऐसे भी नहीं कर सकता। I think वो भाग जाना चाहिए उसको, क्योंकि intelligent तो वो बंदा है। And by the way, bro ये क्या उल्टा क्रॉस बना हुआ है यहाँ पे भाई, ये लोग सारे demons है, I'm telling you. भूत प्रेत है भाई ये लोग, सिर्फ एंटिटीज नहीं है भाई। इन्होंने किंग गोडिन ब्रो क्या जगह पे रखा है, क्या बेड है, ओ माय गॉड सुपर डिलक्स बेड के ऊपर किंग गोडिन को लेटा के रखा। तेरी पकौड़े ऐसी की तेरे मुंह पे तो हगूंगा मैं ऐसे करके, समझा ना एक दिन। याद रखियो बाय द वे गाइस ये अनकॉन्शियस है, बट आई थिंक ये मुझे अभी भी देख सकता है, बट कोई बात नहीं है ब्रो। ये क्या जगह है, आई थिंक होगा लाला और काउंसिल वाले बंदे का जो भी जुगलबंदी चल रही है उनके सीक्रेट लोकेशन है। इतनी सारी चेस्टे क्यों है यहाँ पर, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। वेट अ सेकंड, ओ What? ये कैसी बू है भाई अजीब सी। रुको यहाँ से बहुत सारे एरोज वगैरह निकाल सकता हूँ। स्पेक्टर है भाई साहब, क्या है ये, क्या है, ओ माई गॉड। ओके यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स है, ब्लॉक्स निकाल जितने ब्लॉक्स निकाल सकता है। और भाई ये ओके यहाँ पर पोशंस वगैरह है, वाई ब्रो आई एम सो कंफ्यूज राइट नाउ कि यहाँ पर इतने सारे पोशंस वगैरह क्यों है भाई। ये ना कुछ तो ओके नो वेज गाइस, ये तो कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हर एक चेस्ट के अंदर कोई ना कोई सामान हुआ ना, यहाँ पे देखो तुम लोग हर एक चेस्ट भरी हुई है, सस्पिशियस रूप से भरी हुई है, खाने के सामान से भरी हुई है। ओ माय गॉड ये लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे भाई इतने सारी चीजें, इतनी सारी चेस्ट जो पूरी की पूरी भरी हुई है, इसका मतलब ये अपनी पूरी की पूरी आर्मी का सामान यहाँ पर रखा हुआ इन लोगों ने। और साला ये किंग गोडिन तुम लोगों को पता ही है इसके पास कितनी बड़ी आर्मी है। ओ ये आई थिंक किंग गोडिन के आर्मी के साथ मिलकर कुछ तो हमला या तो फिर कुछ तो प्लान करो। कि मेरी शील्ड भी बेकार थी, अपनी शील्ड को मैं निकाल कर यहाँ पर इस पर्टिकुलर शील्ड को ये करने वाला हूँ भाई। यहाँ पे देखो तुम लोग आयरन के बूट्स भी अनब्रेकिंग एक्स के साथ है भाई साहब। ये लोग ना
आई एम टेलिंग यू गाइस, हद से भी ज्यादा डेंजर बंदे है ये। गाइस मेरे पास एक बहुत तगड़ा प्लान है। मेरा जो बेसिक सा आर्मर है साला, इस आर्मर की जगह ना मैं एक बहुत ही परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ आर्मर्स बनाता हूँ, ठीक है ना गाइस, और खुद को बहुत तगड़ा बनाता हूँ। मैं ढूंढता हूँ बढ़िया बढ़िया से आर्मर, फायदा उठाएंगे भाई इस चीज का हम लोग। गाइस ये लास्ट के चार आर्मर तुम लोग को दिख रहे हैं, ये चार परफेक्ट है मेरे लिए, एकदम परफेक्ट। इतना अच्छा आर्मर का सेट आने वाला कि भाई ऐसी की तैसी बना दूंगा मैं लोगों की। और ये चारों के सारे ब्लॉक्स भी नीचे निकाल, एंड और चीजें, ओ शिट, टू लाइट क्रिस्टल्स, ओके आई हैव टू टेक दिस, ओके 64 का ब्रो, ओके डूड, ओके, ये इतना भी काफी है भाई। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ गाइस, ये सभी के सभी लोग कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं, ये कुछ इतना बड़ा प्लान कर रहे हैं ना कि भाई हमारी बैंड बजने वाली है। आई एम टेलिंग यू, ओ माई गॉड, टोटम्स वगैरह, आई डोंट थिंक सो गाइस कि मेरे को टोटम की फिलहाल के लिए जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इतना ज्यादा, वो मेरे पास ना इन्वेंटरी में स्पेस नहीं है, दैट्स व्हाई मैं चीज तुम लोगों को बोल रहा हूँ। टोटम फोटम निकालने की बिल्कुल भी जरूरत है नहीं है मेरे को फिलहाल के लिए। ओ गाइस, एक नेदरराइट की बहुत तगड़ी स्वॉर्ड भी मिली है मेरे को, और कुछ मुझे ढूंढना है बस एक आधी चीजें और बढ़िया सी। ओके आई थिंक मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ, लाइट चलेगी मेरे घर में, हे भगवान, सब कुछ अभी होना था क्या मेरे साथ। रिस्पॉन एंकर और साथ ही साथ ये ग्लो स्टोन, ये भी मेरे काम आ सकता है बहुत तगड़े वाला। ओके गाइस ठीक है, मैं ना अभी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज इसलिए हो रहा हूँ गाइस, क्योंकि भाई बहुत ही जल्द हमारे हेमलैंड के ऊपर बहुत तगड़े वाला हमला होने वाला है। अगर इन लोग, तुम लोग ना गिन भी नहीं सकते, आई थिंक यहाँ पे कम से कम 1000 से 2000 चेस्ट होने वाली है, जिसके अंदर सारी की सारी सप्लाईज रखी हुई है बहुत सारे सोल्जर्स के लिए। दिस मीन्स हम लोग बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में घिरने वाले। वहां पे चेस्ट, वेट, चमक रही है वाली चेस्ट यहाँ पे, व्हाई, ओ गोल्डन एनचांटेड एप्पल है इसमें, ओके ये मेरे काम आ सकता है, इसको मैं निकालने वाला हूँ 110%, एंड ऑफ कोर्स ये वाले गोल्डन एप्पल भी मैं नीचे निकालने वाला हूँ, ब्रो दिस इज गुड। और मैं यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकता हूँ, आई हैव टू सी दिस, हर एक चीज अच्छे तरीके से चेकआउट करनी पड़ेगी मेरे को यहाँ पे। भाई तुम लोग सोचोगे नीचे नीचे इतना तगड़ा माल है, ऊपर ऊपर क्या माल रखा होगा इन लोगों ने गाइस, आई थिंक ऊपर सबसे ज्यादा, व्हाट, ओके 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 ओके, इन लोगों का रख चुका पता गाइस, मुझे इन तीनों को मारना पड़ेगा यहाँ पे टाइम पे, ताकि इससे पहले कि साला ये होगा लाला वगैरह ना जाए। अगर यहाँ पे अभी गलती से होगा लाला आ गया ना गाइस, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तीन बंदे एक साथ आए हुए फिर से, साला हर बार मेरा मैन हंटिंग क्यों हो रहा था, पर ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते बच्चे, तुम लोगों का ही सिस्टम है मेरे पास। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओई साले इतना कैसे मार रहे हो मेरे को, ओके मेरी गेम बहुत ज्यादा लैग हो रही गाइस, आई थिंक खाना का, आजा मेरे बेटे, तू आ ना मेरे बेटे, ओके डूड्स, खाना खाएगा गाइस, मेरे को इन तीनों को मारना पड़ेगा। अगर ये बात होगा लला और साला काउंसिल लला को पता चली, काउंसिल लला तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जितना मेरे को पता है उसके बारे में, वो शायद से होगा लला से भी ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, कभी उससे मैंने लड़ते हुए देखा नहीं, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। ओके मेरे को ऐसे भी थोड़ा दिमाग से खेलना पड़ेगा। आजा मेरे बेचे, तेरे को मैं बताता हूँ अभी मैं कौन हूँ, साला ये लोग बिना आर्मर के भी इतने स्ट्रांग है, होगा लला वगैरह की आर्मी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, एक बंदा दूर से मुझे स्नाइपिंग करा है ब्रो, ओ माई गॉड ब्रो, अगर तो इन लोगों के पास लिटरली आर्मर्स वगैरह आ गए तो फिर तो अनमरेबल हो जाएंगे। ओके वी हैव टू बी केयरफुल, दिस मीन्स आजा, नहीं मत आ, अरे तू आजा भाई आजा, ओ माई गॉड, आई हैव टू ईट फूड ब्रो, ओके ओके अकेला आएगा, 1v1 तो मैं देता ही नहीं भाई किसी को, देखा मेरे बैठे, तुम्हारे भाई मेरे साथ खेलेगा, आ खा रहेगा तू मेरे सामने आजा, ओ माय गॉड ब्रो, उसकी लाश लिटरली नीचे गिर रोता रहा, ये जो भी है तेरा रिश्तेदार, तेरा भाई बंधु, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ओके गाइस आई थिंक मैं समझ गया लोग मरने कैसे वाले, इनको मैं नीचे गिराऊंगा यहां से, मैं आजा, ओके ब्रो व्हाट द हेल आर यू डूइंग, ओके खाना, ओके मेरे को मारेगा मेरे बेटे, आ जाओ, ऑन है, उड़ गया, व्हाट ब्रो, ओह माय गॉड, प्लीज,
चल नीचे, लेट्स गो, लेट्स गो, बता क्या, ये बता क्या, ओह माय गॉड, यस यस यस, ओके ये मैंने गलती कर दी, मैंने गलती कर दी, ओके अभी 1v1 होने वाला भाई यहाँ पे, चल 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 चल, सिर्फ एक बंदा बचा हुआ है, अगर ये मर गया ना यहाँ पे तो मेरा काम हो जाए, ओह मेरे बेटा भाई, होली शिट डूड, ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कहां से आएगा मेरा बच्चा, छुप छुप के आ रहा है बंदा, मार्कस वेट, नीचे तो नहीं गिर गया बंदा, प्लीज टेल मी नीचे गिर गया भाई, ये नीचे गिर, आर यू सीरियस डूड, एक बंदे की लाश वहां पे गिरी हुई यार, दूसरा बंदा पता नहीं कहां नीचे घुसा हुआ है, इसकी लाश हिली है थोड़ी सी, ऐसा लगा मेरे को, ओके गाइस मेरे पास एक यहां पे पोशन ऑफ स्लो फॉलिंग पड़ा हुआ है, मैं इसको मार तो दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आई डोंट थिंक सो गाइस कभी यहां पर कुछ है, मुझे ना बस यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, जितना जल्द से जल्द मैं बस बाहर निकल सकता हूं, ओ माय गॉड ब्रो, ये मैं कहां पर आ गया हूं, ओके नीचे उस बंदे की लाश गिरी दिख नहीं रही थी मेरे को सिर्फ, ओ माय गॉड, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ओके इसकी लाश भी गायब चुकी है यहां पे गाइस, ब्रो मैं ऐसी जगह पर क्यों फंसता हूं, ओके डूड भाई, हर एक दरवाजे के 10 दरवाजे सामने भाई, मैं ना बहुत, ओ माय गॉड, दीज गाइज न्यू इट कि कोई भी यहां पर आ सकता है, कभी भी यहां पर आ सकता है, तो इनको क्या काम करना है, कैसे करना है, ये लोग बहुत ही ज्यादा तेज है साले, एक नंबर के, मेरे को ने, ए ऊपर एरो बना हुआ है वहां पे, ओके ए, ए! आजा तेरी, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं, आजा, मेरे को मारेगा तू बच्चे, तेरे बंदे मेरे अभी 3 मारे है, समझा ना, 3 मारे है, ओके ये मर नहीं रहा है, I have to leave. Okay, वहाँ पर एक एरो बना हुआ था गाइस, वहाँ पर एक एरो बना हुआ था, मैं इसको ना साले को बंद कर दूंगा यहाँ पे अच्छे तरीके से, एंड उस जगह को मैं जाने वाला भाई, ओके लेट्स गो, अरे यार जगह नहीं आगे, आजा, खाने का, ब्रो मैं एक बहुत ही गलत जगह पे अटक गया हूँ, सामने उस एरो तक, ओके नहीं मेरे बेटे, ना 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 ना, ये तो मैं देखो दूंगा ही नहीं, ओ माय गॉड भाई मैं क्या करूं, नहीं, मार तेरी पकौड़े, मैंने गलत जगह पे लगाया इसको एक्चुअली में, Let's go. Okay, मेरे को ये मारना पड़ेगा। आजा, मेरे बच्चे, तू मार मेरे को। Thank God कि मैंने तुम लोगों के आर्मर्स पहने हुए, बहुत तगड़े वाले। समझा ना बच्चे? आजा, मारू बच्चे तेरे को मैं, आजा पकड़े। भाई इसको मैंने तगड़े वाला डैमेज तो दे दिया, मेरे नजदीक नहीं आ रहे। आजा, नजदीक आना भाई। अरे ऐसा क्यों लड़ेगा तू मेरे से? लड़े ना पास आके, लड़े ना बच्चे। Okay, I think I have to leave. बंद करो इस पकौड़े को। Oh my God! This guy is so annoying, यार। मेरे को छोड़ दे तू पीछे। Okay, यहाँ पर बटन, don't press, press कर दिया क्या होगा? No! एक की जगह पे तो। Okay, एक और एरो बना हुआ है। Let's go! आजा, आना। Okay, I don't know guys, इनको कितना डैमेज पड़ रहा है, पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा डैमेज पड़ रहा है इससे। Oh my God! No! Bro! I'm gonna die! खाने का, oh my god! जे मेरे बेचे, फाड़ तो दिए मेरे, कहाँ से मारा मेरे को ये? बेटा, इनको डैमेज तो मैं तगड़े वाला दे रहा हूँ, 100% I can tell you guys. ऊपर आना, वेस्ट द गेट, गेट क्यों नहीं है यहाँ पे? फाड़ के जाएगा तुम्हारा भाई, टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। गाइस आगे एक लैरो बना हुआ था, चल, खाना खा, कम ऑन, ओके, ओ माय गॉड,
बेटा डैमेज तो मैंने बहुत तगड़ा वाला दे दिया इन लोगों को, डैमेज तो मैंने तुम्हारे भाई ने बहुत तगड़ा वाला दे दिया इन लोगों को। ओह माय गॉड, ओके मेरे को भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं मानेगा बच्चा तू, ऐसा नहीं मानेगा तू। आजा आजा जा 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 आजा जा 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 आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, आजा ना। माई गॉड, नो 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 ना 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 मेरे बेटे, मेरे को पकड़ना मुश्किल ही नहीं ना मुमकिन है, समझा ना। ओ क्या तू डीपी क्या बंदे ने, मां कसम। It's impossible, dude. I'm खो गया हूँ। Oh my God, I'm stuck. वो कौन सी direction थे? I have no idea. Oh my God, एक कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए, हालांकि मेरा कुछ बाल भी बांका नहीं कर पा रहे। चल 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 चल। I think मैं भी सही direction में जा रहा हूँ। आजा बेरा बैठे, आजा बेरा बैठे। Okay, यहाँ पर भी don't press लिखा हुआ है। डायरेक्शन को लगी पता क्या होगा, क्या होगा बाकी। अरे नहीं नहीं, स्कैमर है साले, स्कैमर्स है ये लोग स्कैमर्स है साले। एक और बंदा स्पॉन हो गया वहां पे। नो फ्रीकिंग वेज डूड, ये क्या मजाक है यार, हद हद हो रही है भाई। ये तो तेरी पकौड़े ऐसी की तैसी। आजा आजा आजा, इन लोगों को गाइस डैमेज तो पड़ता है, खाना वगैरह भी। सांप ले ये बंदा, हो जा। ओके आई एम गोइंग राइट, आई एम गोइंग राइट गाइस। मैंने वहां पे एक एरो देख लिया था ऊपर बना हुआ। आई थिंक आई एम गोइंग राइट राइट नाउ। कम ऑन 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 कम ऑन। ओह यस 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 यस, आजा मार मेरे को, तेरे भाई के बाद क्या है। आजा मेरे बेटे, आजा आजा, तुम लोग तो आ नहीं पाओगे ना। आजा मेरे बेटे, आजा मेरे बेटे, लेट्स गो, आई एस्केप्ड यू बिच। ओके आग लगी इसको, आजा आजा आजा, ये मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, मानेगा नहीं, मानेगा नहीं मेरे बेटे। आना, अरे अब्बा ना बच्चे, अब्बा ना, अब्बा बच्चे, अब्बा अब्बा अब्बा, एक बाप की औलाद है तो अब्बा तू। ओह माय गॉड, दैट वाज सो गुड यार, दैट वाज सो गुड। चल 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 चल, ओ माय गॉड। हाँ भाई, व्हाट हैपेंड टू साला, पोशन मार के आ गया। बंद करूंगा इन लोगों को मैं एक बार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओके मेरे को यहाँ पर जाना कहाँ चाहिए? नो नीचे नहीं, नीचे नहीं, नीचे नहीं, इस पार्टी मैं ब्लॉक्स प्लेस कर पा रहा हूँ यहाँ पे। No way, dude. Okay, ये लोग मेरे बहुत नजदीक आ गया बच्चे। Okay, guys, मेरे पास एक बहुत तगड़े वाला प्लान है, मेरे पास एक बहुत तगड़े वाला प्लान है, ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे अभी। आजा 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 तू, आजा 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 आजा, मेरे को बस टाइम वेस्ट करना है। आहा, मेरे बच्चे हो, मुझे मारने की पूरी ट्राई कर रहे हो गाइस। क्या तुम लोगों के पास फायर रेस का एक और पोशन है कि नहीं है? क्योंकि मेरे पास तो है मेरे बच्चे। आजा मेरे को मार, आजा मेरे को मार। गाइस ये लोग मरने वाले हैं, 5 सेकंड में मरने वाले लोग। आई थिंक कभी भी मर। आजा 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 मेरे को मार, मेरे बच्चे मार, मेरे को मेरे बच्चे, लेट्स गो। लाशें टक रही है इनके यहाँ पे। मरेगा मरेगा, मर गया। और ये उसकी लाश भी कह जाती है ऊपर आने से तैर के, लेट्स गो। ओ मेरा बच्चा तू बच गया, सिर्फ बसे तू भी। अरे इधर आना मेरे पास, अरे तू आना मेरे पास, तेरे को मैं बताता हूँ ना, अभी कोई इफेक्ट नहीं है तेरे पास, समझा बदसूरत। भाग, अब गाइस मुझे बस बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके गाइस, सो वी हैव टू गो। अरे भाई ये बंदा मरा नहीं साला, ये बहुत अनोइंग है यार। आजा तेरे को मैं बताता हूँ अभी, आजा आजा ना बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आजा मेरे बच्चे, आजा 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 आजा। फायर रेस्ट तो है नहीं तेरे पास, अब बोल है। मरे गए बंदा। ओके 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 डूड, लेट्स ईट सम फूड गाइस, लेट्स ईट सम फूड गाइस।
Let's see some food, guys. मरा? मर गया बंदा? Oh my God, let's go. Okay, guys. अभी मुझे यहाँ से जितना जल्द से बाहर निकलना पड़ेगा. And इस जगह से मैं बाहर निकलूँगा कैसे? यहाँ पर मैं इसके धमाका करने वाले कर. Okay. ले फट जा. Oh, I am out of this place now. और ये क्या बारिश हो रही है? बारिश तो दिख नहीं रही मेरे को. सिर्फ बूंदे दिख रहे नीचे. Okay, guys. Oh my God. भाई क्या किया ये मैंने अभी? क्या फाइट हुई है मेरी अभी भाई? नेक्स्ट लेवल फाइट थी वाली. वन ऑफ द बेस्ट फाइट थी मेरी आज तक की वाली. ओह माय गॉड, ये वो झूला है. झूला यहाँ पर क्यों है मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है. गाइस मैं यहाँ से बाहर निकलूँ कैसे? साले प्रोफेसर, अगर तू मेरे को देख रहा है कहीं से भी देख रहा है तो भाई प्लीज कृपया कर ले मेरे पे, कृपा कर ले मेरे पे यार. तू मुझे यहाँ से बाहर निकाल प्लीज कृपया. किसी भी हालत में मैं फंस गया हूँ यहाँ पे बुरे तरीके से. आई थिंक ये मुझे देख पा रहा होगा यार. मुझे बस तू बाहर निकाल यहाँ से ब्रो. साला पता नहीं कहाँ गया. F3 दबाने की ट्राई करोगा, F3 भी नहीं दब रहा है. इस जगह के कोऑर्डिनेट्स ही पता नहीं कौन से है यार. बट गाइस एक चीज हम लोगों को लग चुकी है पता, कि होगा लाला इज कमिंग बैक विद काउंसिल लाला बंदा. और इनके पीछे कुछ बहुत ही तगड़े वाली जुगलबंदी चल रही है. एंड दिस प्लेस इज सेम लाइक हेल ब्रो. ओ माय गॉड, निकल यहाँ से भाई. ओ माय गॉड गाइस, फाइनली मैं इस जगह के फ्रंट एंट्रेंस पे आ चुका हूँ, जो मैंने वो हवा में उड़ते हुए देखा था किंग गोडिन को. बट आई डोंट नो कि मुझे यहाँ से भी कहाँ जाना चाहिए यार. आई एम सो कंफ्यूज्ड. और मैं अकेला इंसान ऐसी डेविल्स वाली जगह पे अटक चुका हूँ यार गाइस. ओह माय गॉड, देख रहे हो ये इसका मेन गेट है साले का. रुको, यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा गाइस मेरे को. ओके पर्ल मार यार भाई, दिमाग की दही हो रही. ओह माय गॉड, लुक एट दिस गेट डूड. माय गॉड, ये साला इतना बड़ा गेट किसके लिए बनाया हुआ है इन लोगों ने गाइस? भाई ऐसे तो नहीं गाइस यहाँ पे कोई जाइंट जाइंट जैसे बंदे रह रहे हैं? क्योंकि ये कैसल भी कुछ ज्यादा ही बड़ा है. और इस दरवाजे को देख के तो मुझे एक्चुअल में डर लग रहा है. ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? व्हाट? ओके आई थिंक गाइस आई वाज राइट. ये कोई अजीब सा स्कल है किसी बहुत बड़े प्राणी का. ओह माय गॉड, ये मैं कहां पर आ गया गाइस? ये मैं कहां पर आ गया हूं? प्रोफेसर भाई अगर तू देख रहा है प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालने की ट्राई कर ब्रो. I am stuck here. Guys, फटाफट चल आगे. मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है. I don't know कि ये साला भी ये प्रोफेसर, अब प्रोफेसर नहीं होगा लाला, और ये जो बंदा है हमारा काउंसिल वाला, ये दोनों कहाँ गए हैं? बट अभी कुछ तो गड़बड़ है ब्रो यहाँ. ओह माय गॉड, मैं कहाँ आ गया हूँ यार? मैं गाइस हद से भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहा हूँ यहाँ पे कि ये क्या जगह है. साला इतना बड़ा मुंडी मुँह के सामने किसकी है ये? ओके मुझे पता लगाना पड़ेगा. प्रोफेसर भाई प्लीज़ अगर तू देख रहा है साले, जहाँ से भी देख रहा है मुझे यहाँ से तू बाहर निकालने की तैयारी कर ले तू स्टार्ट भाई. आई एम टेलिंग यू मेरे को बस निकलना है यहाँ से भाई, समझा? ए मैं अटक क्यों यहाँ पे? मैं यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा हूँ. मैं अटक क्यों यहाँ पे गाइस? स्वेयर टू गॉड ब्रो, ये क्या हो रहा है? मैं अटक क्यों गया हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ से आगे जा ही नहीं पा रहा हूँ. माँ कसम यार, क्या चीज है ब्रो ये? स्वेयर टू गॉड गाइस, मैं आगे जा नहीं पा रहा हूँ सच में. ओके दिस इज सो कंफ्यूजिंग यहाँ पे. देखो मैं बताता हूँ गाइस, ठीक है? मैं बैक से आऊंगा, भाग के आऊंगा. और यहाँ पे देखो मैं F5 से आगे भी नहीं देख पा रहा हूँ समथिंग ब्रो. यहाँ पर एक इनविजिबल वॉल है, यहाँ पर साला एक इनविजिबल वॉल है, पर मैं यहाँ पे कुछ प्लेस भी नहीं कर पा रहा हूँ. ओ माय गॉड ब्रो, दिस प्लेस इज एक्चुअली हॉन्टेड. हमें आगे जाने से रोक रही है ये चीज गाइस. मेरे को ना आई थिंक गाइस आई हैव टू फिगर आउट कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है. मैं यहाँ से आगे जा कैसे सकता हूँ? और साला यहाँ पर कौन है जो इस हेल जैसी जगह पे मुझे आगे जाने से रोक रहा है? और इतने बड़े किंगडम का राज क्या है? है तो ये होगा लाला और काउंसिल वाले बंदे से रिलेटेड, बट एग्जैक्ट इसका क्या राज है मुझे पता नहीं है. फिलहाल के लिए पता करना बहुत ज्यादा जरूरी है गाइस. अरे अरे मैं भूल गया गाइस, आई थिंक मैं पॉल मार के शायद से आगे चला जाऊं, मे भी हो सकता है. तो ठीक है 1 2 3 लेट्स गो.